हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कल नेस्ट का एग्जामिनेशन है, जितने ही बच्चे नेस्ट का एग्जामिनेशन देंगे पूरा वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही में जिन्होंने आईसर का एग्जामिनेशन दिया हुआ है उनके लिए मस्ट एक अर्जेंट इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो अब मतलब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आईसर और नाइसर आपको क्या प्रिफर करना चाहिए, ठीक है, दोनों में से क्या प्रेफर करना चाहिए। कल मैं लाइव कर रहा था, एक और डाउट आया था भैया आईसर और नाइसर का, दूसरा आया था भैया आईसर और आईएससीएस का। तो मतलब जो भी हो मैं देख के बता दूंगा उसको, तो पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कैसे आपको जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्ट्स पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट फैक्ट है आपका एकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स की अगर बात करें तो इस साइड में लिखूंगा आईसर का, इस साइड में लिखूंगा नाइसर का, ठीक है। तो आईसर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो एकेडमिक सेशन होते हैं बीएसएमएस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो आपका होता है एमएस थीसिस। तो एमएस थीसिस लिखने के लिए आपको आईसर में 1 ईयर मिलता है, कैसे बताता हूँ कैसे आगे चल के। और नाइसर में आपको वही चीज 2 ईयर्स की मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऑल सब्जेक्ट, यहां पर भी आप ऑल सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट यहां पर ही पढ़ते हो। थर्ड चीज, सेकेंड ईयर में आप प्री मेजर लेते हो यहां पे, प्री मेजर लेते हो, लेकिन नाइसर में ऐसा नहीं है। नाइसर में आपको सेकेंड ईयर में ही आपको आपका मेजर, सेकेंड ईयर में ही आपको आपका मेजर मिल जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। थर्ड ईयर में आपको यहां पे मेजर मिल जाता है आईसर में, नाइसर में एज इट इज रहता है, मेजर मिल ही चुका है वहां पे। तो फोर्थ ईयर तक आप पढ़ाई करते हो आईसर में, फिफ्थ ईयर में आपको थीसिस लिखनी होती है एमएस थीसिस। यहां पे आपको फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर 2 साल मिलते हैं एमएस थीसिस के लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, एमएस थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, 2 साल आपको बहुत टाइम होता है, आप अच्छे से सोच सकते हो। अब बात करता हूं दूसरे फैक्ट की, स्कॉलरशिप। आईसर की बात करें तो आईसर में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, नो स्कॉलरशिप, इफ एंड ओनली इफ एक और इंस्पायर स्कॉलरशिप, वो उन्हीं को मिलती है जिनके 12th में अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं अप्रॉक्स, वो डिसाइड करती है डीएसटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है किन बच्चों को मिलेगी इंस्पायर स्कॉलरशिप, उन्हीं को मिलती है जिनके टॉप 1 परसेंटाइल में जो लोग आते हैं क्लास 12th के बोर्ड्स में, उन्हीं को मिलती है और किसी को स्कॉलरशिप वाली नहीं मिलती है। अदरवाइज आप स्टेट बोर्ड और नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं किया गया वहां पे। नाइजर की अगर बात करूं तो नाइजर में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, दिस इज नोन एज दिशा स्कॉलरशिप, ठीक है। दिशा स्कॉलरशिप में आपको क्या करना होता है, 5,000 रुपीज आप पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, पर मंथ आपको यहाँ 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है, यानी इस साल का हो गया 60,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एंड प्लस अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको 20,000 का स्टाइपेंड अलग से मिलता है इंटर्नशिप के लिए, अगर कॉलेज में करते हो तो, बाहर जाते हो तो बाहर के लिए नहीं, लेकिन अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको उसके लिए अलग से स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है।
तो टोटल अगर अगर आपको इंटर्नशिप के पैसे जोड़ दे, टोटल आपके 80,000 रुपीज स्कॉलरशिप अप्रोक्स अप्रोक्स मान के चलो कि आपकी आधे से ज्यादा फीस वहां पे वापस आ जाती है। 94,000 या कुछ फीस वगैरह पड़ती है वो आपकी वापस आ जाती है। ठीक है, अगर आपको फी स्ट्रक्चर का वीडियो चाहिए आईसर्स का, तो आईसर्स का मैं बना चुका हूँ, आज फिर एक बार पोस्ट कर दूंगा उसको दोबारा से, आप लोग जा करके चेकआउट कर लेना उसको। तो होप सो इस समझ में आ गया होगा। थर्ड चीज जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आईसर में, डायरेक्ट लाइक जो चीजें होती है आईसर से आप डायरेक्ट बार्क में, आप डायरेक्ट बार्क में, डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नहीं जा सकते हो, नाइसर से आप डायरेक्ट बार्क में जा सकते हो। ठीक है, नाइसर से आप डायरेक्ट बार्क में जा सकते हो। अब वो सोच समझ में आ गया, बार के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको पता ही होगा, सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप वहां पे जा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू नाइसर से, लेकिन आईसर्स के लिए आपको वहां पे एग्जाम देना वगैरह पड़ेगा। इसलिए नाइसर की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक ही नाइसर है, कोई नाइसर तिरुपति ये सब कुछ नहीं है, नाइसर भुवनेश्वर एक ही है वहां पे। आईसर टोटल 7 है आपके इन पूरे इंडिया में, कौन कौन से हैं, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवांद्रम, तिरुपति एंड बैरामपुर। तो कोई ज्यादा मेजर फैक्टर रहता नहीं है इन दोनों कॉलेजेस में, बाकी चीजें सेम रहती हैं। बस यही है कि टोटल आईसर 7 है, नाइसर 1 है। एकेडमिक्स का मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप का मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटीज का मैंने बता दिया। और एक और चीज अपॉर्चुनिटीज की बात हो, तो आप दोनों जगह से हायर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी या फिर आई पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आईसर में भी यही सेम चीज है, आई पीएचडी या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई, आईसर और नाइसर दोनों के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, फेस्ट वगैरह की बात करूँ दोनों जगह फेस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स मीट की बात करूँ तो एक और IISM होता है, इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट होता है, जिसमें कई सारे कॉलेजेस पार्ट करते हैं। आपके 7 आईसर्स होते हैं, नाइसर होता है, ISC बैंगलोर होता है, एंड एक और CBS मुंबई होता है। तो ये 7-10 कॉलेज अप्रॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट में। तो स्पोर्ट्स का भी बता दिया, काइंड ऑफ फेस्ट्स का भी बता दिया है, प्लेट्स प्लेसमेंट्स और NIRF रैंकिंग की बात कर ले, तो NIRF रैंकिंग में अगर NIRF रैंकिंग में भी डिफरेंस रहता है दोनों के, वो हर कॉलेज का अलग होता है। 7 आईसर्स हैं, 7 आईसर्स के 7 NIRF रैंकिंग है। ठीक है, आईसर्स की अलग NIRF रैंकिंग है, सॉरी मैं थोड़ा वॉच गलती से दिया, नाइसर्स की अलग NIRF रैंकिंग है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना किसमें, जिसमें जाना हो उसी में पार्टिसिपेट करना, मेरी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। क्योंकि जानते हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट है, लॉट ऑफ स्टूडेंट है जिनको कॉलेज चाहिए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत उन्होंने भी की है। तो जिसमें आपको जाना है आप प्लीज उसी में, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना। जैसे अगर आपको नाइसर में जाना है तो आप नाइसर में ही जाना, ठीक है, अगर आपको आईसर्स में जाना है तो आईसर्स में जाना। अगर आईसर ले भी लिया है, अगर आपको बाद में नाइसर मिलता है, तो विद इन काउंसलिंग खत्म होने से पहले सीट को विड्रॉ कर देना, जो 2-3 हजार रुपए आपके कट जाए ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना उसको। क्योंकि खुद सोचना थोड़ा सा, आपके 2-3 हजार रुपए वेस्ट करने से दूसरे किसी का फायदा हो जाएगा, ठीक है, वो सीट रहेगा दूसरे किसी को मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो सो, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बहुत सारे बच्चे परेशान थे भैया चूज क्या करूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपको। मिलता हूँ अगली वीडियोस में।